हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोकामना सॉफ्टवेयर पे। देखिए, मेरे पास टेक्नो का पॉपअप 5 प्रो फ़ोन है। इसमें गूगल अकाउंट लगा हुआ है, FRP लॉक। तो फॉर्मेट मारने के बाद अक्सर गूगल अकाउंट लग जाता है मोबाइल में, और वैसे ही इस मोबाइल में गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो देखिए, आप लोगों को पहले हम इसको चेकअप करवा देते हैं गूगल अकाउंट का। तो दोस्तों, होता क्या है, फॉर्मेट मारने के बाद इसमें मेरा पुराना ईमेल आईडी मांगने लगता है। मेरा पुराना ईमेल आईडी या पासवर्ड याद नहीं है, तो इसे हम बाईपास कैसे करेंगे, चलिए आप लोगों को पूरा वीडियो में हम बताएंगे इसका इजी सॉल्यूशन, इसका बाईपास करने का। टेक्नो पॉपअप 5 प्रो, टेक्नो का बहुत सारे मॉडल पे दोस्तों ये वीडियो काम करेगा आपको। बहुत सारे मॉडल पे ये ट्रिक अब काम कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ में आप अपना वाईफाई कनेक्ट है, इसको हम वाईफाई अपना तो देखिए कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई वाईफाई है, सिम भी कर सकते हैं। तो देखिए, वाईफाई कनेक्ट करके आप लोगों को हम पहले इसको चेक करवाते हैं। जो FRP लॉक इसमें लगा हुआ है, गूगल अकाउंट मांगता है, वहाँ से आगे में नहीं जाएगा। इसको कैसे हम करेंगे दोस्तों, आप लोगों को पूरा वीडियो में बताएंगे। बहुत ईजी ट्रिक है इसका बाईपास करना, टेक्नो पॉपअप 5 प्रो का। और फॉर्मेट कर लेते हैं, हैंग उंग का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो लोग हार्ड डिस्क से मार लेते हैं, लेकिन ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं याद रहने के कारण ये गूगल अकाउंट फंस जाता है। इसका बाईपास हम कैसे करेंगे, खुद से आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं इसे बाईपास। देखिए, पहले आप लोगों को हम इसको चेक करवा देते हैं, यहाँ गूगल अकाउंट कैसे मांगता है। देखिए दोस्तों, हम डाउन कॉपी यहाँ से करते हैं। डाउन कॉपी करने के बाद आगे देखिए, मेरा गूगल अकाउंट यहाँ मांगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पैटर्न मांग रहा है, तो पैटर्न तो हमें मालूम नहीं है, कोई सा भी पैटर्न देखिए यहाँ नहीं लेगा। देखिए, यूज़ गूगल अकाउंट करेंगे। तो गूगल अकाउंट करने के लिए देखिए, चेकिंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, यहाँ ईमेल आईडी हमें पुराना वाला अगर नहीं मालूम है तो नहीं डाल। चलिए दोस्तों, इसको हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद देखिए, इसको हमको कैसे बाईपास करना है, बहुत ईजी ट्रिक है। तो देखिए, कोई सा भी दोस्तों हमको अब क्या करना है, एक सिम कार्ड लेना है, ठीक है, एक सिम कार्ड लेना है और इसे हमें मोबाइल में लगाना है। कोई सा भी सिम कार्ड लेके मोबाइल में लगाना है दोस्तों। और देखिए, हमको करना क्या है, सिम कार्ड को हमें पिन लेके निकालना है और मुझे पावर बटन दबा के स्क्रीन ऑफ कर देना है। ये सिम जैसे हम निकालेंगे और पावर बटन को दबाएंगे, हाँ दबा देंगे। देखिए मेरा, देखिए यहाँ होम स्क्रीन आया, यहाँ देखिए नोट्स आएंगे, तो लेफ्ट साइड करेंगे, फिर यहाँ सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग ओपन हो जाएगा मेरा। देखिए एंड्रॉयड सेटअप, यहाँ देखिए हम साउंड सेटिंग होगा दोस्तों, मेरा एंड्रॉयड सेटअप है दोस्तों, सॉरी, सेटअप में जाएंगे। सेटअप में जाने के बाद साउंड में जाएंगे, साउंड में सबसे नीचे एड रिंगटोन है दोस्तों, एड रिंगटोन में जाएंगे। एड रिंगटोन करने के बाद देखिए, यहाँ थोड़ा देर हम प्रेस करके रखेंगे ड्राइव को। प्रेस करके रखने के बाद देखिए दोस्तों, ऐप इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ हमें जाना है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन में जाने के बाद, सॉरी दोस्तों, परमिशन में। परमिशन में जाने के बाद देखिए, हमें ऊपर सर्च करना है सेटिंग, हमें ऊपर सेटिंग दोस्तों सर्च करना है, ऐप सेटिंग। देखिए पहले हम सेटिंग ही सर्च करेंगे दोस्तों, फिर भी ऐप सेटिंग मेरा आ जाएगा तो देखिए नहीं आया सेटिंग, पर देखिए आ गया। देखिए ऐप सेटिंग ओपन करेंगे, ऐप सेटिंग ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, हमें ऐप सेटिंग इसे ओपन करना है और यहाँ हमें सबसे नीचे एक्सेल मिनी ओपन कर लेना है। यहाँ से एक्सेल मिनी ओपन करने के बाद देखिए, यहाँ से ओपन हो गया दोस्तों, एक्सेल मिनी 3.0 इसमें इंस्टॉलेड है। इसको एडिट करके हम ओपन कर लेंगे ऐप को। देखिए बिल्कुल, इसको हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद देखिए, हमें दो ऐप दोस्तों पहले से डाउनलोड कर लेना है किसी मोबाइल में। अभी एक्सेल मिनी किसी दूसरे मोबाइल में हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और वहां से हम गूगल अकाउंट मैनेजर 9.0 कर लेंगे और FRP बाईपास का APK बाईपास कर लेंगे। तो ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया है, डाउनलोड कर लिया, और एक्स मिनी मैंने दूसरे मोबाइल में इंस्टॉल करना है, ठीक है, किसी दूसरे मोबाइल में। एक्सेल मिनी हमें सेम दोनों ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और दो ऐप है दोस्तों, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर गूगल पे कहीं भी मिल जाते हैं, गूगल अकाउंट मैनेजर या FRP लॉक। तो देखिए यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ से जो मैंने दो ऐप डाउनलोड किए हैं दोस्तों, वो दोनों ऐप हमको इसमें भेजना है। देखिए जैसे हमने इसको रिसीव करेंगे, पहले आपको इसे स्कैनर का ऑप्शन देगा, हमें इस मोबाइल में हमें सेंड करने के, जो सेंड करेंगे स्कैन देगा, स्कैनर देगा दूसरे मोबाइल में। देखिए दोस्तों, दूसरा मोबाइल का हम खोल लेते हैं उसका, और खोलने के बाद देखिए हम इसको स्कैन करेंगे, हम अपने दूसरे मोबाइल को स्कैन करेंगे। देखिए यहाँ से, तो दूसरा मोबाइल दोस्तों मेरा चालू हो रहा है अभी, उसमें स्कैनर देखिए आ गया स्कैनर, हम इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिक फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा उससे।
देखिए कुछ देर मेरा ये कनेक्टिंग लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कनेक्टिंग देखिए लिख रहा है मेरा, तो कनेक्ट होने के बाद देखिए दो ऐप मेरा रिसीव हो जाएगा। देखिए मेरा ऐप रिसीव होने का, फाइव एंड्रॉयड 8910 ऐप। पहले हम उसको देखिए, हमको वेटिंग इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, यहाँ से ऑटोमेटिक इंस्टॉलिंग हो जाएगा। देखिए एफ आर पी बाईपास इंस्टॉल हो गया और ये भी इंस्टॉलिंग हो रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों देखिए हमें एफ आर पी बाईपास ओपन करना है, हमें एंड्रॉयड वाला ओपन नहीं करना है, हमें ऊपर वाला एफ आर पी बाईपास ओपन करना है। और यहाँ देखिए राइट साइड से 3 डॉट पर क्लिक करके ओके करना है, और यहाँ करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ मेरा डेटा डिस्कनेक्ट हो गया है। हमें करना क्या है, फिर से मेरा डाटा जो दोस्तों उसमें ट्रांसफ़र किए हैं, तो मेरा वाईफाई बंद हो गया, इसी तो हम दूसरे मोबाइल के अंदर देखिए फिर से वाईफाई अपना कनेक्ट कर लेंगे, इसको वाईफाई देंगे क्योंकि तो अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा वाईफाई इसमें आ जाएगा। देखिए मेरा वाईफाई आ गया। अब इसको हम फिर से एफ आर पी बाईपास को ओपन करेंगे दोस्तों, हमको एफ आर पी बाईपास को ओपन करना है। देखिए सिम यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, या रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिम वैसे भी हम निकाल लिए थे पहले भी, तो यहाँ देखिए ऊपर सॉरी यहाँ देखिए 3 डॉट करना है, फिर वो ब्राउजिंग साइन इन करके ओके करना है। देखिए ब्राउजिंग साइन इन ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ हमें अपना कोई भी नया ईमेल आईडी हम डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर क्रेडिट करना है आपको तो क्रेडिट कर सकते हैं, नहीं नया ईमेल आईडी डालना है तो नया ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास ईमेल आईडी है, तो हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, फिर पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या करना है आप लोगों को बताएंगे, पूरा वीडियो देखें। तो देखिए हम इसमें यहाँ पासवर्ड अब डालेंगे, हम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इसमें डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो 1 मिनट वेट कर दोस्तों, देखिए हम अपना ईमेल आईडी सही डाल दें और पासवर्ड भी हम अपना डालेंगे इसमें, कोई सा भी अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं इसमें, और नहीं तो नहीं। तो देखिए हमने इसमें अपना गूगल अकाउंट ऐड कर लिया, ठीक है, गूगल अकाउंट डाल लिया। डालने के बाद देखो बैक आना है, बैक आने के बाद ऐप सेटिंग जाना है, और ऐप सेटिंग में जाने के बाद देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर हमें दोस्तों यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है, अनइंस्टॉल कर देना है। गूगल अकाउंट मैनेजर हमें अनइंस्टॉल कर देना है, आप मुझे पूरा बैक आ जाना है, फिर से होम स्क्रीन पे आ जाना है। गूगल अकाउंट मैनेजर दोस्तों हमें यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद में बैक आना है, और पूरा बैक आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ फिर से हमें सेटिंग करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ से स्किप कर देंगे इंसर्ट सिम, यहाँ से देखिए नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ से देखिए एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करेंगे। गेटिंग योर फोन रेडी हो रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए मेरा अकाउंट एडेड का मैसेज आएगा, योर अकाउंट इज एडेड, और मेरा फ़ोन देखिए बाईपास हो जाएगा एफ आर पी। देखिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए गेटिंग योर फोन रेडी हो रहा है, मेरा फ़ोन चालू हो रहा है दोस्तों। तो देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, आसान है, कोई ज़्यादा मुझे यहाँ से हमें देखिए नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है। देखिए अकाउंट एडेड का मैसेज आ गया दोस्तों हमें, देखिए नो बैक हम नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ फिर से एक्सेप्ट कर लेना है, मेरा गूगल अकाउंट ऐड हो गया है। एक्सेप्ट होने के बाद देखिए नो थैंक्स, यहाँ से नो थैंक्स कर देंगे दोस्तों, देखिए नो थैंक्स, यहाँ से देखिए स्किप कर देंगे, हमें स्क्रीन लॉक नहीं सेट करना है, यहाँ भी स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद देखिए मेरा एंड्रॉयड 11 रेडी हो रहा है टेक्नो, यहाँ से होम के एरो पर क्लिक करेंगे, देखिए मेरा होम स्क्रीन चालू हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा प्रोसेसिंग चालू हो गया, और फ़ोन मेरा अब एफ आर पी लॉक बाईपास हो गया, देखिए मेरा फ़ोन होम स्क्रीन आ जाएगा, देखिए एफ आर पी लॉक बाईपास। धन्यवाद दोस्तों आपको, हम लोग हमने इस वीडियो में दिखाया टेक्नो वॉपअप 5 प्रो का एफ आर पी बाईपास कैसे करते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप लोगों को मॉडल चेक करवाते हैं टेक्नो पॉपअप 5 प्रो, ठीक है दोस्तों, एंड्रॉयड 11 है अपडेटेड। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी दूसरे वीडियो में, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का देते रहें।